स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त। सहारनपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर ने अस्पताल की पूरी जानकारी ली। गरीबों को पक्का घर दिलाने की प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी ने देश में बाकी राज्यों को पछाड़ दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली इस योजना को सूबे के राज्य नगरीय विकास अभिकरण विभाग यानी कि सूडा ने इस मंजिल तक पहुंचाया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 17 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वाराणसी दौरा। स्मृति ईरानी ने बच्चों के लिए निःशुल्क डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की कोचिंग का शुभारंभ किया। निःशुल्क कोचिंग के शुभारंभ से पहले स्मृति ईरानी ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में एक निजी इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं यूपी पुलिस ने दूसरी ओर से मोर्चा संभालते हुए आंकड़ों के साथ जवाब दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और अपने खून से जय श्री राम भी लिखा। इनकी मांग है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिटलर शाही का माहौल बना रखा है और जो धार्मिक नारे हैं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। मेरठ में मासूम के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है और जहां एक ममेरा भाई मासूम की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। पीएसए आईएमपीएक्स कंपनी का डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा गिरफ्तार। एसडीएम दादरी और तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई। 1,90,00,000 रुपए राजस्व वसूली का यह पूरा मामला। अम्बेडकर नगर में पुलिस की सरेआम गुंडाई। सबके सामने दी भद्दी भद्दी गालियां। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। गिरफ्तारी करने गई पुलिस का उत्पात। आलापुर थाना क्षेत्र के न्यूरी का ये पूरा मामला। मेरठ में बदमाशों के आतंक का वीडियो वायरल। सरेआम बदमाश कर रहे हैं फायरिंग। इलाके में बदमाशों का आतंक। बदमाशों के आतंक की वजह से हो रहा पलायन। पलायन की खबर के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। नोएडा में किसानों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। पत्थर मार्केट को तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन। सेक्टर 49 में बनी है पत्थर मार्केट। फरुखाबाद में अधिकारियों की लापरवाही कुछ इस कदर बढ़ गई कि अब माननीयों पर भी भारी पड़ने लगी है। दरअसल प्रभारी मंत्री चेतन सिंह चौहान की कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग के दौरान सांसद मुकेश राजपूत की कुर्सी अचानक टूट गई और सांसद अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए, तो वहीं कुर्सी टूटते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में सांसद को जिलाधिकारी कुर्सी दी गई और सांसद बनने के बाद रामपुर पहुंचे सपा नेता मोहम्मद आजम खान मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो संसद में कोई भी सवाल उठाना चाहते थे, जैसे देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन जब भी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन मुझे बापू की प्रतिमा के पास बैठना पड़ा, क्योंकि बापू हमारे आइडल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से झांसी पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। रेलवे स्टेशन से वो एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां अखिल भारतीय आयोजक वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान संघ और देश के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में भारत के सभी राज्यों संघ कार्यकर्ता शामिल होंगे। और सब्जी के लिए 30 रुपए मांगने पर तलाक का एक मामला सामने आया है, जहां पति ने पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद 3 तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कार में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव थाना लोनी क्षेत्र में मिले और दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोली कार के अंदर से मारी गई, क्योंकि अगर बाहर से मारी जाती तो शीशे पर गोली का निशान होता। ललितपुर, शस्त्रों के बल पर दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा। विरोध करने पर दी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। पुलिस को शिकायती पत्र देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित ने डीएम को शिकायती पत्र देकर उठाई कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर परिवार करेगा आमरण अनशन। थाना जखोरा के ग्राम नदनवारा का ये पूरा मामला। मैनपुरी में अस्पताल के सामने मकान बनाकर रह रहे लोहपेटा के मकान में घुसा टैंकर। टैंकर के नीचे दबने से दो लोगों की मौत हो गई। एक घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेवर थाना क्षेत्र के जीटी रोड अस्पताल के पास की पूरी घटना। हापुड़ में दबंगों की दबंगई सामने आई। सरयाम में एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। मामूली बात को लेकर युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से युवक घायल हुआ। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र रेलवे रोड का पूरा मामला। सीतापुर में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। केसरबाग डिपो के पास टक्कर दुर्घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। थाना रामकोट के कटीली क्षेत्र में NH-24 का ये पूरा मामला। पौड़ी कमिश्नरी के 50 साल पूरे। त्रिवेंद्र कैबिनेट में पलायन पर महामंथन। कैबिनेट से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद में पलायन पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन। पलायन रोकने को लेकर गंभीर हुई सरकार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।